फंक्शन ओवरलोडिंग, ये चैप्टर थर्ड है क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ द बेस्ट मैच इज फाउंड व्हेन अ कॉल टू एन ओवरलोडेड फंक्शन इज एनकाउंटर्ड। बेस्ट मैच कब मिलता है? जब ओवरलोडेड फंक्शन एनकाउंटर होता है या सामने आता है। एग्जाम्पल आपको देना है अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। तो अगर आपको फाइंड करना है बेस्ट पॉसिबल मैच, तो कंपाइलर उस समय क्या करता है, पहले वो सर्च करता है एग्जैक्ट मैच। अगर उसको एग्जैक्ट मैच मिल जाता है तो फंक्शन को इन्वोक कर दिया जाता है, फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। जैसे अगर एक एग्जैक्ट मैच नहीं मिलता है तो जो मैच है वो प्रमोशन होगा उसका, यानी कि मैच ट्रफ प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स, इसका मतलब यह है कि एक इंटीजर को वो कैरेक्टर में, शॉर्ट में, इन्यूमरेशन में, इंट को इंट में या अनसाइमेंट में, या कन्वर्जन करेगा फ्लोट को डबल में। यानी कि अगर एग्जैक्ट मैच नहीं मिलता है तो, क्योंकि हम जानते हैं कि कैरेक्टर इंटरनली इंटीजर होता है, शॉर्ट इंटीजर होता है, लॉन्ग इंटीजर होता है, अनसाइंड साइन, ये सारे इंटीजर के फॉर्म है, तो वो उस तरीके से एग्जैक्ट मैच नहीं होता है, तो ये एक प्रमोशन करता है। अगर ये दोनों स्टेप फेल हो जाते हैं तो जो मैचिंग है एप्लीकेशन की, C++ स्टैंडर्ड कन्वर्जन रूल से इस तरीके से सर्च होती है, और उसका उसकी सर्चिंग का तरीका अगर वो भी फेल हो जाता है तो एक मैच यूजर डिफाइंड कन्वर्जन या फिर बिल्ट इन कन्वर्जन अगर अगर हुए हैं तो उस सर्च से हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले एग्जैक्ट सर्च देखा जाता है, उसके बाद ये जो प्रमोशनल सर्च देखा जाता है, और उसके बाद जो स्टैंडर्ड C++ से कन्वर्जन रूल है उसको देखा जाता है, और फाइनली यूजर डिफाइंड कन्वर्जन या बिल्ट इन कन्वर्जन को देखा जाता है। जैसे आपका ए, ये देखिए ए फंक्ट, ये फंक्शन है इंटीजर, इसमें कैरेक्टर है, इसमें डबल है। तो अगर ए फंक 471 किया जाए तो उसमें ये स्टैंडर्ड कन्वर्जन पे आ जाएंगे, ये मैच होगा स्टैंडर्ड कन्वर्जन में, और ये मैच करेगा ए फंक्शन इंट को, सीधा इससे इंट करेगा, क्योंकि 471 इज इंटीजर, सीधा इससे मैच कर जाएगा। बाय चांस इससे नहीं मिलता है तो क्या करेंगे आप, तो आप कैरेक्टर पर जाएंगे। हाउ डज द कंपाइलर इंटरप्रेट मोर देन वन डेफिनेशन हैविंग द सेम नेम एंड व्हाट स्टेप्स डज इट फॉलो टू डिस्ट्रीब्यूट दीज। किस तरीके से कंपाइलर इंटरप्रेट करता है एक से ज्यादा डेफिनेशन को जिसके नाम एक जैसे हैं, और उसका स्टेप क्या होता है? तो कंपाइलर कुछ जो स्टेप होते हैं एक से ज्यादा नाम के, तो पहले ये जो सिग्नेचर का मतलब ये होता है कि उसका प्रोटोटाइप, अगर वो सिग्नेचर जो आगे के फंक्शन है उनके पहले जो फंक्शन थे उनसे मैच करता है, तो जो दूसरा है उसको ट्रीट किया जाता है केवल एक रीडिक्लेरेशन पहले का। अगर सिग्नेचर दो फंक्शन का बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करता है लेकिन रिटर्न टाइप उसके अलग अलग है, तो जो सेकंड डिक्लेरेशन है उसको हम एरोनियस मानते हैं, इसका एक एरोनियस रीडिक्लेरेशन है पहले का, और कंपाइलर एक एरर फ्लैग कर देता है, एक एरर। अगर सिग्नेचर दोनों फंक्शन का डिफर करता है, या तो नंबर, जितने भी नंबर आपके आर्ग्यूमेंट के हैं, या टाइप इनका टाइप, तो जो दो फंक्शंस हैं उनको हम कंसीडर करते हैं कि हाँ अब ये ओवरलोडेड है। ठीक, इस तरीके से इसको देखा जाता है। अगला है इसमें, डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बेनिफिट बताइए, और क्या अदर मेंबर फंक्शन और मेंबर फंक्शन क्लास के ओवरलोड किए जा सकते हैं, और क्या डिस्ट्रक्टर ओवरलोड किया जा सकता है, व्हाट इज योर ओपिनियन। ओवरलोड का मतलब ये होता है कि आप एक फंक्शन है, जैसे आपने ए एड फंक्शन लिखा, इस फंक्शन में अलग अलग टाइप से, चाहे आप इंटीजर दो पैरामीटर दे दिए, फिर फ्लोट दे दिए, और यहाँ रिटर्न टाइप अलग कर दिया, तो एक साथ आपने दो चार तरीके से एड नाम का ही फंक्शन बना दिया, तो ओवरलोड कर दिया, यानी कि इसको लोग इसके सर पे भार डाल दिया। तो बेनिफिट क्या है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में बताना है, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ये फ्लेक्सीबिलिटी बढ़ाता है आपकी क्लास की, क्योंकि आपके पास एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर मिल जाते हैं एक ही क्लास में, क्योंकि एक क्लास एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो आपको देती ही है, और उसके अलावा एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर मिल जाते हैं आपको। कंस्ट्रक्टर का मतलब इनिशियलाइजेशन करना आपको, तो जब हम इनिशियलाइज करते हैं, आप ये देखिए कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के द्वारा
एक से ज्यादा तरीके से आप इनिशियलाइज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया उसका उत्तर है हाँ, कैन अदर मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास बी ऑल्सो ओवरलोडेड, हाँ इनको ओवरलोड किया जा सकता है और डिस्ट्रक्टर को आप ओवरलोड नहीं कर सकते। अगला आपको लिखना है ये आउटपुट लिखना है इस सी प्लस प्लस कोड का, और आपको नाम लिखना है वो फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, इसमें आप जो लिस्टेड किया गया है एक से लेकर आगे ये भी है चार तक, ये आपको बताना है। ओके, तो इसमें देखिएगा सबसे पहले हमारा हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच है, इसमें लाइन फंक्शन है, ये एक लाइन बनाती है डैश 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 से लाइन बनेगी, इसी तरीके से ये लाइन बनाएगा स्टार का, ये लाइन बनाएगी आपके सी 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 ऐसे करके, यहां पर ये स्टार का बनेगा, ऐसे एक लाइन बन जाएगी। यहां पर ये आपका एक लाइन फंक्शन है जिसमें जो लाइन बन रही है सी आउट एम इन टू एल यानी एम एल एम एल ऐसे करके बनेगी, जितने भी एन नंबर होगा उस हिसाब से। ये एम क्या है, एम नंबर है, एम नंबर है, तो ये नंबर जो भी आप देंगे देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले में हमने क्या किया था, यहां पर जो भी नंबर आ रहा है मान लीजिए ये 80 है तो 80 नंबर के 80 ये डैश प्रिंट हो जाएंगे, यहां पर आप कितना कर रहे हैं स्टार, जो भी नंबर आएगा मान लीजिए यहां पर 10 आते हैं तो 10 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। यहां पर कैरेक्टर सी है, ए है, एन है, यानी कैरेक्टर सी मान लीजिए आप डॉलर दे देते हैं और इस डॉलर को जैसे ये एन दिया हुआ मान लीजिए 10 है, 10 एन दे दिया तो 10 डॉलर आपको प्रिंट हो जाएंगे ऐसे करके। ओके, यहां पर क्या हो रहा है कि आपने एक नंबर दिया एम और एन, तो एम एम और इस ये जो एम आपने दिया और ये जो एन दिया तो एक से लेकर एन तक इस नंबर तक एम इन टू एल प्रिंट होगा, जो भी यहां नंबर है उसका एल टाइम्स। ऐसी अब आप करते हैं यहां पर मेन में, एम ए 9 है, बी 4 है, सी 3 है, तो कैरेक्टर सी के आपको हैश दे दिया तो लाइन के बी, अब आपने के कॉमा बी दिया, के हैश ध्यान दीजिएगा के हैश है, अब कौन सा कॉल होगा इसमें, क्योंकि आपके पास के और बी है, ए और सी है, और के और बी यानी कि के आपके पास हैश है, बी 4 है, यानी कि ये इस तरीके से कॉल होगा, एक ऐसे समझिए इसको, ये लाइन है यहां पर आप हैश दे रहे हैं, ये हैश हो गया कॉमा और बी यानी कि आप 4 नंबर भेज रहे हैं, और दूसरे वाले फंक्शन में क्या है लाइन, यहां पर ए कॉमा सी, ए में आपका आएगा 9 और सी में आएगा आपका 3, तो दो इंटीजर यहां पर हो गया, एक बार हैश हो गया एक बार 4 हो गया, तो कौन कौन से कॉल होंगे इसमें। अब देखिए इसमें तो कोई आपके पैरामीटर ही नहीं है, इसमें भी पैरामीटर नहीं है, इसमें आपका पैरामीटर दिख रहा है राइट, इन तीनों में पैरामीटर दिख रहा है, इन दोनों में पैरामीटर दिख रहा है, तो इसका उत्तर यह है कि आप जैसे ही के हैश यानी कि हैश 4 बार करेंगे तो हैश 4 बार प्रिंट हो जाएगा, पहली बात तो ये, यानी कि यहां पर आप कैरेक्टर दे रहे हैं एक कैरेक्टर, और कैरेक्टर कितने बार प्रिंट हो रहा है एन बार, यानी कि कैरेक्टर सी 4 बार प्रिंट हो रहा है, तो पहली बार तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा तीसरा, और उसके बाद ए सी, ए सी के लिए क्या होगा 9, 18, 27, क्यों, क्योंकि आप देखिए यहां पर सबसे पहले आपने यहां पर क्या दिया 9 और यहां 3, यहां पर 9 जाएगा, ये वाला कॉल होगा 9 और 3, सबसे पहले तो 9 और 3 ये 1 से लेकर 3 तक चलेगा, यानी कि 9 इंटू 1 पहले प्रिंट पहले होगा, फिर 9 इंटू 2 और 9 इंटू 3, 9 9 18 27 ये प्रिंट होगा। तो जो नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर का जो इस प्रोग्राम में जॉइंटली लिस्टेड होता है 1 से लेकर 4 तक, उसे हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं, चारों फंक्शन में आपने देखा फंक्शन ओवरलोडिंग। अब देखिए हेयर आर सम डिजायर्ड इफेक्ट्स, आपको इंडिकेट करना है डिफॉल्ट आर्गुमेंट से कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग या दोनों या कोई भी नहीं, अप्रोप्रिएट प्रोटोटाइप भी देने इसमें, जैसे रिपीट फंक्शन है 10 कॉमा ए डैश, ये डिस्प्ले करता है इंडिकेटेड कैरेक्टर ये और इसमें 10 बार करेगा, जब आप रिपीट डिस्प्ले ये स्टार करेंगे 12 टाइम, इसी तरीके से रिपीट हैश करेंगे तो डिस्प्ले करेगा हैश को 12 टाइम, रिपीट 7 करेंगे डिस्प्ले करेगा स्टार 7 बार, एवरेज 4.7 रिटर्न करेगा, क्या करेगा एवरेज दो नंबर का, जब 4.0 और 7.0 करेंगे तो डबल कर देगा, मतलब इसके एवरेज की वैल्यू डबल वैल्यू होगी, यानी कि इसमें डेसिबल होगा, यानी 4 + 7/2 4.0 + 7.0/2, लेकिन जो उत्तर आएगा इसका डबल में। मास निकालेगा डेंसिटी वॉल्यूम, रिटर्न करेगा मास ऑब्जेक्ट का जिसकी डेंसिटी ये डी है वॉल्यूम वी है,
जबकि मास के अंदर क्या डेंसिटी डालेंगे तो ये रिटर्न करेगा मास, जिसकी डेंसिटी कोई डेंसिटी है और वॉल्यूम उसकी 1.0 क्यूबिक मीटर है, जो भी क्वांटिटीज है वो डबल में होगी। एवरेज जिसमें आपको बताया 4 और 7, ये रिटर्न करेगा एक इंटीजर एवरेज, 2 इंटीजर आर्ग्यूमेंट का जिसे हम 1 फाइल कहते हैं, और ये रिटर्न करेगा एक डबल एवरेज 2 इंटीजर आर्ग्यूमेंट का जब सेकेंड फाइल When called in a second file in the same program, same program में तो दूसरी तरीके से इसको कॉल किया जाएगा। अभी हम इसे देखते हैं अच्छे से। पहले क्वेश्चन समझ लें। हैंडल ए कैरेक्टर, ये रिटर्न करेगा रिवर्स केस, जो भी आप कैरेक्टर आप पास कर रहे हैं या प्रिंट करेगा इसे एक या ये ट्वाइस, जितने बार भी असाइन करेंगे रिटर्न वैल्यू या फिर नहीं। तो कैसे आप कंप्लीट करेंगे, सबसे पहले जो जो शब्दों में था उसको हम प्रोग्रामिंग में देख रहे हैं। तो रिपीट ए कैरेक्टर एन बार, तो रिपीट एन सी, रिपीट एक ब्रैकेट, रिपीट कैरेक्टर सी, रिपीट इंट एन। तो ये जो सारी चीजें हमारी हो गई, यानी कि हमने रिपीट 10, रिपीट ये रिपीट स्टार, रिपीट हैश और रिपीट यहां पर 7 टाइम्स। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये बहुत सिंपल है। इसमें हमने रिपीट नाम का एक ही फंक्शन लिखना है, बस उसकी कैरेक्टर पासिंग चेंज हो जाएगी एन और सी। रिपीट करेंगे अंदर केवल अंदर कुछ इसका डेफिनेशन देंगे, ऐसे कैरेक्टर सी पास करना पड़ेगा तो प्रॉपर्टी का कैरेक्टर प्रिंट होगा, एन बार करेंगे तो कैरेक्टर अपना फिक्स है और एन बार वो प्रिंट हो जाएगा। अगला जो है उसमें हम एवरेज दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ए और बी को इंटीजर बता रहे हैं ताकि इंटीजर रिटर्न है, और जो 4.0 और 7.0 आपने लिखा उसमें डबल है, तो डबल ए डबल बी रिजल्ट इसका डबल होगा। अगले वाले में जो मास वाली बात थी, इसमें डेंसिटी वॉल्यूम दी तो मास रिटर्न करेगा, और डेंसिटी डी दी हुई है, वॉल्यूम उसका 1.0 है, तो ये अपने आप इस पर्टिकुलर डेंसिटी के हिसाब से मास करेगा, वॉल्यूम ऑलरेडी इसका दिया हुआ। फोर्थ में जाएंगे तो हम एवरेज निकालेंगे अगर, तो इंट ए कॉमा इंट बी, और अगर डबल जो एवरेज है उसका रिजल्ट डबल में आना चाहिए जो उसमें कहा गया है, तो इंट सी कॉमा इंट डी, जो भी आंसर आएगा वो डबल में रिजल्टेंट होगा। और हैंडल वाली जो बात आई थी उसमें आप सीधा हैंडल कैरेक्टर ए या फिर कैरेक्टर आएगा जो आप अवॉइड करना चाहते हैं, जब इसको दोबारा मैं बताता हूं मैं आपको। हैंडल में था हैंडल कोई भी कैरेक्टर, एक रिवर्स केस ऑफ द पास कैरेक्टर और प्रिंट्स ट्वाइस डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू असाइन अ रिटर्न वैल्यू और इट नॉट। यानी आपने क्या किया कि यहां पर जब रिटर्न वैल्यू किया तो ये कैरेक्टर ए प्रिंट होगा जो भी उसमें कहा गया है, और वॉइड जब आप कोई भी कैरेक्टर वैल्यू या कोई भी रिटर्न नहीं दे रहे तो ये वाला फंक्शन लिख दीजिए, कैरेक्टर तो आपको पास करने का पड़ेगा। राइट फंक्शन डेफिनेशन फॉर क्वेश्चन 7 ऑन पेज 119। तो इसमें ये जो फंक्शन डेफिनेशन है उस क्वेश्चन 7 की, उसको मैं ऐसे बताता हूँ। अब उसको ध्यान देना होगा कि ये जो क्वेश्चन 7 आपको, ये 7 है 8 है, ये सब उसमें अपने बुक्स टेक्स्टबुक की पेज में देखना पड़ेगा, उसको मैं यहाँ पर उत्तर दे रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा कि पहले तो हमने द मैक्स लिया, द मैक्स दो फंक्शन है हमारे पास, एक और हमारे पास फंक्शन है, तो यहाँ पर ये सीधा रिटर्न करेगा, यहाँ पर ए और बी का ग्रेटर देन रिटर्न करेगा, यानी कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो ए रिटर्न होगा, नहीं तो बी रिटर्न होगा, और नहीं तो तीसरा जो उस क्वेश्चन इसमें फंक्शन डेफिनेशन है क्वेश्चन 7 में, उसमें सीधा ये एरे पास करेगा, उसमें मैक्स वैल्यू रिटर्न करेगा। और जो फंक्शन क्वेश्चन 8 है उसमें एक फंक्शन लिखना, फंक्शन डेफिनेशन लिखना है अब 8 की, यानी कि आप उसको देखेंगे अपने पेज में अपने क्वेश्चन अपने बुक में, तो क्यूब वॉल्यूम साइड क्यूब है, सिलेंडर वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच आपको देना है, रेक्टेंगुलर बॉक्स वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वॉल्यूम 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 3 फंक्शन बना दिए, जब ये साइड आएगा तो रिटर्न साइड इनटू साइड इनटू साइड, ये आपका क्यूब का वॉल्यूम हो गया, फ्लोट में रिटर्न करिए। जब आपको पाई आर स्क्वायर एच करना है तो पाई 3.14 आर आर इनटू एच, रेडियस और हाइट इसमें पास करनी है। अब आपका लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट करना है तो लेंथ ब्रेथ और हाइट ये तीनों पास करेंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट, और वॉल्यूम रिटर्न करेंगे फ्लोट। डेफिनेशन लिखना है दो वर्जन जो ओवरलोडेड फंक्शन के हैं, जो फंक्शन है पहला वर्जन मैं इसको बता ही देता हूं, जो पहला वर्जन है सम, इसमें क्या है उन्होंने कहा कि आर्ग्यूमेंट लेना चाहिए एरे, तो हमने सम लिखा है, आर्ग्यूमेंट दे दिया, वो रिटर्न करना चाहिए सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ दी पास एरे, तो इंटीजर है तो सम भी इसका इंटीजर आएगा। दूसरा वर्जन हम ये लिखना चाहते हैं कि सम जिसमें दो आर्ग्यूमेंट हो, एक तो आपका एरे हो, देखिए एरे कहा गया है, और कैरेक्टर हो ई या ओ, तो कैरेक्टर सी देंगे यहाँ पर, कोई भी कैरेक्टर सी या कैरेक्टर जो भी आप यहाँ पर देना चाहते हैं, कैरेक्टर के साथ सी लगता है ज्यादातर पे। अगर जो पास कैरेक्टर है वो ई है, मान लीजिए ई है या ओ है, तो ई है तो इवन नंबर का सम आना चाहिए, ओ है तो ऑड नंबर का सम आना चाहिए, और वो कोई और कैरेक्टर है तो वो रिटर्न करेगा 0। तो देखिएगा सबसे पहला बहुत आसान है ये, इसमें इंट ये
एक सम लिखा हमने इंट ए एरे इस तरीके से लिखते हैं रिटर्न आपका एन टी आएगा। इंटीजर एन है सम इक्वल टू जीरो है एन पास करेंगे कितने एन है इसमें ये सीन करा लीजिए फिर जीरो से लेकर एन तक आप सम इज इक्वल टू सम प्लस ए आएगा उसकी जो हर एक वैल्यू है ए की शुरुआत से अंत तक जो भी एरे का साइज होगा एन और वो ये ऐड कर देगा सम में डाल देगा उसके बाद रिटर्न सम ये रिटर्न हो जाएगा। अब दूसरे वाले में हमने एरे पास किया कैरेक्टर सी और इवन जीरो और जीरो से इनिशियलाइज किया स्विच सी स्विच केस का उपयोग करेंगे सी अगर ई है यानी केस ई है तो हम क्या करेंगे जीरो से लेकर पांच तक हर बार हम क्या करेंगे यहां पर आई ए आई मॉड्यूलो टू इक्वल टू जीरो चेक करेंगे यानी अगर ये ए आई मतलब कोई भी वैल्यू जो होगी इसको मॉड्यूलो टू यानी उसका जो टू से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आता है जीरो है तो इवन मानेंगे इवन इज इक्वल टू इवन प्लस आई रिटर्न इवन कर देंगे। अगर केस ओ है तो सीधा जीरो बिल्कुल सेम चीज करेंगे लेकिन बस यहाँ ए जे नॉट मॉड्यूलो टू नॉट इक्वल टू जीरो कर देंगे बस ऑड इक्वल टू ऑड ए जे रिटर्न ऑन कर देंगे तो ये इसके तो उत्तर हो गए। कंपेयर करना है यूजफुलनेस डिफॉल्ट आर्गुमेंट और फंक्शन ओवरलोडिंग की और सपोर्ट करना है इस आंसर को अप्रोप्रिएट एग्जांपल से। तो डिफॉल्ट वैल्यूज इसको हम दे सकते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप में और फंक्शन अगर आप ये आर्गुमेंट देते हैं तो अगर आप डिफॉल्ट देते हैं तो बगैर आर्गुमेंट दिए आपने क्योंकि डिफॉल्ट तो दे दिया है तो बगैर इसको जरूरी नहीं है कि आर्गुमेंट दे क्योंकि डिफॉल्ट इसको मिल जाएगा लेकिन इसके साथ एक लिमिटेशन है। अगर आप एक डिफॉल्ट रखना चाहते हैं मिडिल आर्गुमेंट तो सारे के सारे जो उसके आगे के वैल्यूज होंगे वो सारे डिफॉल्ट करने पड़ेंगे। जैसे आपको एक फंक्शन प्रोटोटाइप देना है फ्लोट अमाउंट फ्लोट पी टाइम टू फ्लोट रेट अगर आपको ये टाइम टू देंगे तो फ्लोट रेट को भी आपको 0.0 देना होगा केवल टाइम टू को नहीं कर सकते फिर आप अमाउंट को ऐसे टू जो भी वैल्यू आप दें 2000.13 ऐसे बात कर सकते हैं। यहां पर सी प्लस प्लस क्या करेगा कि 0.13 को एक आर्गुमेंट दे देगा टाइम के इस टाइम के और फिर वो करेगा अमाउंट को 2000 और ये 0 वाली को 0.3 इसमें ये आपकी चेंज हो जाएगी इंटीजर में क्योंकि आपने इंटीजर दे दिया यहाँ पे इंटीजर दे दिया 0.13 इंटीजर क्या होगा 0 हो जाएगा और उसको जो आखिरी वाला है रेट उसको 0.08 दे दिया। तो ये सारी दिक्कतें परेशानियां आती हैं इसको ध्यान रखिएगा कि आप क्या दे रहे हैं। और फंक्शन ओवरलोडिंग को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं जितने पॉसिबल आर्गुमेंट कॉम्बिनेशन से क्योंकि ये जो लिमिटेशन है डिफॉल्ट आर्गुमेंट की प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई इसको ओवरकम करता है लेकिन ये कंपाइलर जो टेस्टिंग है डिफॉल्ट वैल्यू उससे भी बचाता है कंपाइलर टेस्ट करेगा फिर ये सब चीजें होंगी इससे बचाता है। इससे हम क्या करेंगे फ्लोट एरिया फ्लोट ए देंगे ए इन टू ए फ्लोट ए और बी देंगे तो ए बस इतना आसान हो जाता है ये। अब अगला सवाल है रेजिंग अ नंबर एन टू पावर पी इज द सेम एज मल्टीप्लाइंग एन बाय इटसेल्फ पी टाइम्स बिल्कुल ठीक है। आपको ओवरलोड फंक्शन लिखना यहां पर बताता हूं ओवरलोड फंक्शन लिखना है पावर दो वर्जन होंगे पहला वर्जन होगा उसमें डबल एन आएगा और इंट पी आएगा देखिए इंट पी इक्वल टू दिया और ये डबल वैल्यू रिटर्न करेगा। दूसरा वर्जन होगा जिसमें इंट एन आएगा और पी ये रिटर्न करेगा एक वैल्यू इंटीजर और डिफॉल्ट वैल्यू आपको टू लेनी है पी के लिए तो इंट पी इक्वल टू टू दे दिया इंट पी इक्वल टू टू दे दिया लेकिन अगर पी ओमिट हो जाता है फंक्शन तो आप क्या करेंगे तो उसकी ये देखिए दोनों फंक्शन ऑलमोस्ट आपके सेम है बस ध्यान दीजिएगा यहां डबल है यहां इंट है और यहां पर पावर एन कॉमा पी क्योंकि जरूरी नहीं है 2 to the power 3 आए ये भी आता है 2 to the power 3.2 5.6 की पावर एक्स पॉइंट 8.9 ऐसे भी आ सकता है तो यहां डबल पावर डबल इन पी टू ये वर्जन एक हो गया आपका डबल एन के लिए यहां पर इंट के लिए हो गया और यहां पर डबल रिटर्न करेगा यहां पर इंट रिटर्न करेगा बाकी बिल्कुल सेम पीओ डब्ल्यू पावर यूज करेंगे एन कॉमा पी ये रिटर्न करेगा आपका रिजल्ट। तो ये हमने बात की अभी आपके ये फंक्शन ओवरलोडिंग की बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद आप सभी की।